हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग ब्रिलियंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। होपफुली आप लोगों ने लास्ट वीडियो अच्छे से पढ़ी होगी। उसके अंदर हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और तीन क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के साथ। सो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, हमारा पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो देखिए, दिशा दिखाता है प्लानिंग। अगर आप सोचेंगे नहीं या प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर आप प्लान नहीं करेंगे किसी भी चीज को तो एक टाइम के बाद आप उसमें खो ही जाएंगे। ठीक है, यही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग एक तरीके की दिशा दिखाता है। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। तो एडवांस में तो बताता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस में बताना। तो एडवांस में बताता है कि काम कैसे होना है। ठीक है, जब ये पता लग जाएगा कि काम कैसे होना है, इन द सेंस हमें क्या मिल जाएगी, एक तरीके से डायरेक्शन मिल जाएगी काम करने की। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग ही नहीं होगी, देन एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। सब अपने मन की कर रहे होंगे एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। ठीक है, एफिशिएंटली का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट एंड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो जब सब अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे तो हो सकता है वेस्टेज में भी काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, प्रोडक्शन कम कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी तो हमें प्लानिंग क्या देती है, प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है। होपफुली आप लोग को पहली इंपॉर्टेंस क्लियर है। चलते अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आप कह सकते हो। अनसर्टेनिटी से मतलब है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन तो हमें पता हो कि वो ही, मतलब हमें उसके बारे में पता ना हो, एकदम हो जाए अचानक। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बता के तो परेशानी नहीं आती है। सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स ए मैनेजर टू लुक अहेड। जो आगे, एक प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे मैनेजर फॉरवर्ड लुकिंग, जिसमें हमने बताया था कि मैनेजर जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। एंटिसिपेट चेंजेस, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। इन द सेंस ये क्या करेगा, आगे के बारे में सोच के चलेगा। हमें ऐसा ही मैनेजर चाहिए होता है जो दिमाग में रखे कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। इन द सेंस ही इज रेडी टू मूव, मतलब कि हमेशा तैयार है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकते। ठीक है, सो जो भी मैनेजर होगा वो क्या करेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एंड स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट ये सोचेगा कि मुझे नेक्स्ट प्लान क्या करना है। राइट, सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर हमने पहले से सब कुछ सोचा हुआ होगा तो जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होने वाली होगी उसे हम क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है, रेडी कैसे हुए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये सोचा कि हमने गलती क्या क्या करी थी। ठीक है, और जो मैनेजर होगा ही विल ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस। ठीक है, आगे के बारे में सोच के रखेगा। सो मैनेजर ट्राइज टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions regarding future, right? Hopefully clear है आपको दोनों importance। Third पर चलते हैं। Planning reduces the wasteful activities. In the sense planning क्या reduce करती है, overlapping। Important word है। So planning reduces the overlapping. So organization plans are मेड बाय कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। सबके रिक्वायरमेंट की, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग सर्व एज ए बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स वेयर बाय यूजलेस एंड रेबिडियंट एक्टिविटीज आर मेंशन। अब देखिए, इतने सारे आपके डिपार्टमेंट हैं तो सारे डिपार्टमेंट के अगर अपनी अपनी मर्जी करने लग जाएंगे तो, और अपने अपने प्लान लेकर आएंगे तो कुछ प्लान्स ओवरलैप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सब साथ चलेंगे,
ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, जितने एफर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के वो सब एक साथ चलेंगे, ठीक है। अगर इंडिविजुअली चलेंगे तो यूजलेस माना जाएगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो फ्रूटफुल माना जाएगा, राइट। तो अगर इससे क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटी कम हो जाती है, अगर सब एक साथ चलेंगे तो फ्रूटफुल होगा, ठीक है, अगर इंडिविजुअली चलेंगे तो यूजलेस होगा, ठीक है। सो प्लान्स एंश्योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली। तो आराम से काम तभी तो पॉसिबल है जब साथ होंगे, राइट। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ या नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, राइट। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? इनोवेटिव का मतलब होता है क्रिएटिव, ठीक है। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? इनोवेटिव का मतलब होता है क्रिएटिव। अब देखिए, मैनेजर बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, अगर मैनेजर ही क्रिएटिव नहीं होगा तो हमारा बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट रिक्वायर हायर थिंकिंग, ठीक है। सो प्लानिंग हमें भी पता है कि फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? प्लान, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। दिमागदार बनना चाहिए, एंड एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, मेंटल एक्सरसाइज है ये। मैनेजर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द न्यू आइडियाज, सो मैनेजर डेवलप कर मतलब मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है नए नए आइडियाज बनाने की, एंड न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। और वो जो वो आइडिया बनाता है, उस आइडिया से हमारे जो बेस्ट प्लान होते हैं उसकी शेप दी जाती है, ठीक है। सो बहुत स्कोप होता है, बेटर मेथड लेकर आए, मैनेजर का ही तो काम होता है, अच्छे से अच्छा मेथड हो उसके पास, ठीक है। सो बेटर मेथड हो, राइट, और बेटर आइडियाज हो, चलते अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, डिसीजंस तो लिए ही जाते हैं, अगर हम डिसीजंस ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, प्रेडिक्शंस भी पहले बनाई जाती हैं, तभी तो, जब तक ये सारी चीजें पहले नहीं बनाई जाएंगी तो डिसीजंस लेने में देरी होगी। तो फास्ट डिसीजन के लिए हमें डिसीजन मेकर होना चाहिए। सो अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेट टू लेट डाउन, द मैनेजर हैज टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन। सो बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है, पहले इवेल्युएट करता है सबको, इवेल्युएट करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजंस, ठीक है। बहुत सारे डिसीजंस हेल्पफुल रहते हैं मैनेजर को इसके लिए। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो हमने आज किया एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमने प्लान करी थी परफॉर्मेंस, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको इवेल्युएट करना। तो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, सो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। तो एक्चुअली जो आपने काम किया है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, उसको इवेल्युएट करने के लिए ही प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, तो आप तभी तो सोच पाओगे ना, डिविएशंस तो तभी निकाल पाओगे, डिफरेंसेस तो तभी निकालोगे जब तक आपके पास प्लान एक्शन होगा। सो दिस प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। होपफुली आप लोगों को इम्पोर्टेंस अच्छे से क्लियर होंगी। तो हमने अभी इम्पोर्टेंस, सिक्स इम्पोर्टेंस पढ़ी। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, it reduces the overlapping and wasteful activity, promotes innovative ideas, it facilitates decision making and it establishes the standard for controlling. chalte hain iski case study ki taraf. so due to planning changes in business environment do not come as shock and surprise. This is related to which importance of planning? So अगर हम planning में changes environment के साथ changes लेकर आते रहते हैं तो इसके हम एकदम shock या surprise नहीं होते, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। So which importance of planning is mentioned above? So हमारी mention हो रहा है, planning facilitate decision making, planning promotes innovative idea, या planning reduce the risk of uncertainty, या planning provides direction. देखिए, decision making तो है नहीं यहाँ पे, कहीं से कहीं तक इनोवेटिव आइडिया भी नहीं है, ठीक है।
रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी जरूर है, क्योंकि हम शॉक या सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम एनवायरमेंट के साथ चेंज हो जाएंगे. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये भी नहीं है. तो हमारा आंसर, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन बेकरी, प्रिया स्टार्टेड एन आउटलेट इन फूड कोर्ट ऑफ ए मॉल. शी डिसाइडेड टू सेल 5 टाइप्स ऑफ पिज्जास एंड लो शुगर मफिन्स विदाउट प्रॉपर विद प्रॉपर प्लानिंग. She was ready to face the uncertainties and also there was no duplication of work. In short period, only her business got a name in the market. Identify the points of importance of planning highlighted in the above paragraph. So diploma kara bakery mein Priya ne aur ek outlet start kara food court ek mall mein aur 5 types of pizza jo the unhone decide kiya, Priya ne decide kara ki wo sell out karegi and low sugar muffins bhi. ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग करी उन्होंने इसके बारे में. ठीक है, और वो रेडी थी हर तरीके की अनसर्टेनिटीज को बियर करने के लिए. एंड ऑल्सो देयर वाज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब रिपीटेड काम नहीं था. इन द शॉर्ट पीरियड उनका जो बिजनेस था उसको एक नाम मिल गया, एक ब्रांड वैल्यू मिल गई. आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ. सो कौन कौन से हमारी इंपॉर्टेंस हमने अभी अभी पढ़ी है, तो कौन कौन सी आती है अगर हम यहाँ पे पढ़े. शी वॉज रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटी, तो हमारी कौन सी वाली यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अब ये अनसर्टेनिटी का रिस्क कैसे खत्म हुआ, क्योंकि प्रिया ने प्रॉपर क्या कर रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी. राइट, तो पहला तो हमारा यही हो गया, फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस हो गई ये. और कुछ यहाँ से पता लग रहा है हमें, एंड ऑल्सो देयर वॉज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, सो ओवरलैपिंग नहीं थी काम में. तो सेकेंड हमारा रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग, या आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग की जगह की वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं थी. ठीक है, उनके बिजनेस को नाम मिल गया, ये भी नहीं है, और तो कोई इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से नहीं है. राइट, तो हमारे ये दो छोटी छोटी से हम लोगों ने केस स्टडी करी अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के लिए. होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा. छोटा सा हम लोगों ने वीडियो बनाया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये आप कह सकते हैं कि प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं. सो दो टॉपिक कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, रिविजन लेते रहिए. ठीक है, जब तक के लिए चैनल्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट.